में हम आपके लिए आज बॉन्ड्स की पाठशाला भी लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो समझना चाहते हैं कि बॉन्ड्स में फिलहाल निवेश करने का सही समय है या नहीं है। अगर है तो वो किस तरह के बॉन्ड्स हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। और बहुत दर्शक तो ऐसे भी हैं, बहुत निवेशक ऐसे भी हैं जो शायद बॉन्ड्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता, फाउंडर bondsindia.com भी जुड़ गए हैं। अंकित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस बॉन्ड्स की पाठशाला में जो आज हम कर रहे हैं आपके साथ, जहाँ पर तरह तरह के बॉन्ड्स की आप समझाइश देंगे हमारे दर्शकों को और बताएंगे कि किस तरह के निवेशक के लिए किस तरह के बॉन्ड्स पर्याप्त हैं। पर ऐसे में मुझे अगर एक आसान भाषा में कोई परिभाषा समझनी होगी बॉन्ड्स की, तो वो क्या होगी, आप कैसे समझाएंगे? सो अगर आप देखें तो बॉन्ड्स ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बहुत सिंपल सा टर्म है। जैसा कि आप किसी को लोन देते हैं या लोन लेते हैं, वहां पे एक अग्रीमेंट होता है जहां पे आपने किसी को पैसे दिए और किसी से पैसे लिए। सो बॉन्ड्स एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जहां पे कंपनीज पैसा रेज करती हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ब्याज दर के ऊपर। सो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कंपनी एक स्टैंडर्ड टर्म्स बनाती है और उस बेसिस पे जो निवेशक उस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं बॉन्ड्स, वो खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ सिंपल अग्रीमेंट, वो एक सिंपल सी अग्रीमेंट होती है जहां पे बेसिकली इन्वेस्टर पैसा डाल सके और कंपनी पैसा ले सके। चलिए, तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं NCD से, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये किस तरह के निवेश का विकल्प है? सो NCD, अगर आप पूछते हैं कि NCD क्या है, तो NCD एक बेसिक स्ट्रक्चर है बॉन्ड का, जहां पे एक कंपनी जिसको पैसे की जरूरत है फॉर कैपिटल डेवलपमेंट और फॉर एनी अदर रिक्वायरमेंट, किसी भी जरूरत के लिए, तो वो कंपनी बॉन्ड के तहत NCD के तहत, विच इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके तहत पैसा उठाती है। और वो पैसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, बैंकों से, म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस कंपनी से, PF से, ट्रस्ट से, सभी तरह के इन्वेस्टर से वो पैसा उठाती है। सो NCD बेसिकली होती है एक बॉन्ड जहां पे वेरियस टेन्योर्स होती है, आप 1 साल से लेके 10 साल 20 साल तक की NCD देख सकते हैं। NCD सेक्योर्ड भी हो सकती है, NCD अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। सिक्योर्ड मतलब जहाँ पे पीछे सेफ्टी होती है, जैसे कि हम अगर होम लोन लेते हैं तो होम लोन लेते टाइम हमारा घर गिरवी होता है बैंक में, सेम बेसिस पे अगर हम सिक्योर्ड NCD खरीदते हैं तो वहां पे कंपनी की एसेट्स गिरवी होती है बैंक में। और अगर अनसिक्योर्ड लेते हैं तो बेसिकली वो पर्सनल लोन की तरह होता है जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। बॉन्ड्स अलग अलग टेन्योर के होते हैं, अलग अलग कंपनी जिनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो उस हिसाब से पैसा उठाते हैं। और सबसे स्पेसिफिक बात जो NCD की होती है वो होती है रेटिंग। सो कोई भी कंपनी जो बॉन्ड रेज करना चाहती है या जो NCD से पैसा रेज करना चाहती है, उसको अपनी कंपनी की रेटिंग करवानी होती है। यहाँ पे बहुत सारी रेटिंग, 5 या 6 रेटिंग एजेंसी हैं इंडिया में, जिसमें से क्रिसिल, केयर, इकरा आर द टॉप वंस, जहाँ पे कंपनी को अपनी रेटिंग लेनी होती है। और रेटिंग के बेसिस पे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी की ताकत का पता चलता है। जो कंपनी ट्रिपल ए रेटेड होती है वो सेफ मानी जाती है, उसके नीचे AA+, AA, AB तरह तरह की रेटिंग होती है। सो जो सबसे सेफ कंपनी होती है वो AAA होती है, उनका जो ब्याज दर होता है जनरली वो कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो सेफ कंपनी है तो उनका एक्सपेक्टेशन ब्याज में पैसे उठाने का कम होता है। सो NCD बेसिकली एक सिंपल फॉर्म ऑफ बॉन्ड है जहां पे एक इन्वेस्टर, आप एज एन इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो पैसे पे आपको सालाना, वार्षिक में या क्वार्टरली या मंथली, जैसा आपकी ब्याज की रिक्वायरमेंट और जैसा कंपनी इशू कर रही है, आप वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से ब्याज आपको मिल सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए, उसमें कंपनी बोलती है कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगे और वो हर 6 महीने पे ब्याज देंगे, तो मतलब हर 6 महीने पे वो कंपनी के 10% के हिसाब से आधे साल का ब्याज जो होता है वो आपको पेमेंट करेगी। आपने जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका 10% मतलब 10,000 रुपए, मतलब हर 6 महीने पे कंपनी आपको 5,000 रुपए ब्याज पे देगी। और अगर ये 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल के बाद कंपनी आपका 1 लाख रुपए आपको वापस कर देगी आपके अकाउंट में। अंकित, यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी के लिहाज से मुझे समझाएं कि NCD कितना फायदेमंद हो सकता है और कितना किफायती हो सकता है। सो NCD अगर हम देखें तो इट इज मतलब ये सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी के लिए नहीं है। NCD और फिक्स डिपॉजिट को अगर हम कंपेयर करें, सिंस दोनों प्रोडक्ट कंपेयरेबल होते हैं, फिक्स डिपॉजिट में भी आपको बैंक एक फिक्स ब्याज देती है और NCD में भी कंपनी आपको फिक्स ब्याज देती है, बैंक्स भी NCDs लेके आती हैं। सो अगर आप देखें, अगर फिक्स डिपॉजिट में मुझे
मैंने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आज के दिन में मुझे फिक्स डिपॉजिट 7% की ब्याज देती है, तो मुझे 70,000 रुपए का ब्याज मिलता है। और वहीं अगर मैं एनसीडी को देखूं तो कहीं ना कहीं एनसीडी में बैंक के फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। कंपेयरिंग आज के दिन में जो सिनेरियो है और बॉन्ड की जो आप ट्रैक्शन देखेंगे, जो लास्ट 1.5 साल में बॉन्ड में ट्रैक्शन आया है, इट इज बिकॉज इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं बॉन्ड में फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है। सो उस बेसिस को देखते हुए यस, बॉन्ड में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। बट जहां तक रही टैक्सेबिलिटी की बात, तो एनसीडी की जो इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी होती है वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह होती है। आप जिस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको उसके हिसाब से टैक्स ब्रैकेट में टैक्स देना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर इन्वेस्टर है जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो उसको एनसीडी के इंटरेस्ट में भी 30% टैक्स के हिसाब से टैक्स पेमेंट करना होता है। कोई इन्वेस्टर अगर 10% में है, तो उसे 10% के हिसाब से टैक्स पेमेंट करना होता है। हाँ, एक चीज जो यहाँ पे जानने लायक ये है कि जब हम बैंक में एफडी कराते हैं या बैंक से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, एक डिफाइंड अमाउंट के ऊपर बैंक उसमें टैक्स काटता है, विच इज टीडीएस। जो हम 15G और 15H सबमिट करते हैं, तो उसमें बैंक हमारी टैक्स नहीं काटता। लेकिन एनसीडी जो होती है, ये सिंस लिस्टेड होती है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसमें इश्यूअर को टैक्स काटना जरूरी नहीं है। तो एक इन्वेस्टर जो कि बेसिकली टैक्स लायबिलिटी से नीचे है और उसने बैंक में एफडी कर रखा है और उसकी अगर टैक्स कट रही है, तो एनसीडी में उसे वो दिक्कत नहीं होती, बिकॉज उसका टैक्स नहीं कटता, तो उसको रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम नहीं करना पड़ता। अंकित, यहाँ पर जहाँ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर हम देखें तो तमाम तरह के ऑप्शन, जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटरेस्ट पे आउट का, इसको ज़रा आप समझाएंगे कि किस किस अंतराल में किस किस तरह से इंटरेस्ट पे आउट होता है और कैसे ये एक फ़ायदेमंद फीचर हो सकता है, कैसे निवेशक के लिए जो कि कुछ कुछ अंतराल के बाद एक इनकम शायद पसंद करता हो। अगर आप सही मायने में पूछे, तो एनसीडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे इश्यूअर डिफाइन करता है कि इंटरेस्ट कैसे देना है और इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट कैसे लेना है। जब भी इश्यूअर कोई बॉन्ड इश्यू लाने की सोचता है या एनसीडी इश्यू लाने की सोचता है, वो ये देखता है कि इन्वेस्टर को ब्याज कैसे चाहिए। क्या उसे मंथली ब्याज चाहिए, क्या उसे क्वार्टरली ब्याज चाहिए, सालाना चाहिए, 6 महीने पे चाहिए, या मेच्योरिटी पे पूरा एक साथ लमसम चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक रिटायर्ड प्रोफेशनल को देखें, तो ही उसे मंथली ब्याज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अपना घर चलाना है, उसके घर के एक्सपेंसेस के लिए उसे पैसा चाहिए। अगर आप एक यंग एज प्रोफेशनल को देखेंगे, जिसे हो सकता है सालाना इंटरेस्ट की जरूरत हो, या जिसे हो सकता है 6 महीने में इंटरेस्ट की जरूरत हो, या हो सकता है जिसे इंटरेस्ट की जरूरत ही ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मैं देखूं कि अगर कोई कोई ग्रैंड पेरेंट है जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उनको रेगुलर इंटरेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि वो खर्च हो जाता है, सो वो एक मेच्योरिटी इंटरेस्ट पे भी जा सकते हैं, जिसे कंपाउंडिंग हम बोलते हैं। सो एनसीडी जब इश्यूएंस करती है कॉर्पोरेट्स, या जब भी कोई कंपनी एनसीडी की इशू लाती है, सो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो मंथली पे आउट इंटरेस्ट पे आउट भी रखती हैं, वो क्वार्टरली भी रखती हैं, वो हाफ ईयरली भी रखती हैं, वो ईयरली भी रखती है, और वो कंपाउंडिंग भी रखती है। जैसे मार्केट की नीड होती है, वैसा इंटरेस्ट पे आउट कंपनी डिसाइड करती है और वैसा रखती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, अभी आज के दिन में 3 या 4 बॉन्ड के इश्यूएंसेस खुले हुए हैं, जिसमें से एक इंडिया बुल्स क्रेडिट है, एक ईडलवाइज है, एक इनक्रेड है, ऐसे और भी 2 इश्यूएंसेस खुले हुए हैं, जहां पे आप देखें तो कंपनी ने मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करके अलग अलग ऑप्शंस खोल रखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 साल की बॉन्ड से लेके 10 साल की बॉन्ड, और उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस जहां पे आप मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते हैं, या सालाना इंटरेस्ट ले सकते हैं, या फिर मेच्योरिटी पे सारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल साथ में ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझनी है कि एनसीडी कहाँ करें, इसका चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपने लिए सही तरह का एनसीडी का निवेश और सही तरह की कंपनी के एनसीडी का निवेश अगर चुन रहे हैं तो? जब आप बॉन्ड में या एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 3 या 4 फैक्टर दिमाग में हमेशा रखना होता है। एक, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इश्यूअर का नाम कैसा है, और सबसे टॉप पे जो काम आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आती है, वो होती है रेटिंग, जो कि मैंने आपको पहले बताया। रेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि रेटिंग ही बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, या कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है।
एक ट्रिपल ए रेटेड कंपनी बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अ डबल ए प्लस। एक डबल ए प्लस हमेशा स्ट्रांग होती है डबल ए से, डबल ए माइनस। सो रेटिंग का जो एक क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कंपनी कैसी है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम स्कूल में देखते हैं कि बच्चों की रैंकिंग होती है जो कि डिस्टिंक्शन, देन वेरी गुड, गुड एंड थिंग्स लाइक दैट, वैसे ही रेटिंग एक्ट करती है। जो इन्वेस्टर रिस्क लेना नहीं चाहते, जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, जिनको जिनकी हार्ड अर्न मनी और वो चाहते हैं कि बस मुझे मतलब रिस्क के टर्म्स में जीरो रिस्क रखना है, तो उन्हें ट्रिपल ए इश्योरेंसेस में जाना चाहिए। जो कंपनी ट्रिपल ए रेटेड है उनकी रेट्स थोड़ी कम होती है, 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स एज कम्पेयर टू अ डबल ए और अ डबल ए प्लस। सो जो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो मीडियम टर्म रिस्क प्लस रिटर्न पे बेट खेलना चाहते हैं, वो ए रेटेड कंपनी देख सकते हैं, ए प्लस रेटेड कंपनी देख सकते हैं। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो रेटिंग देखना होता है। दूसरा ये देखना होता है कि आप कौन सी सेक्टर और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज वी नो हम इकोनॉमिक साइकिल में काम करते हैं, कोई सेक्टर कभी परफॉर्म करता है, कोई सेक्टर कभी परफॉर्म करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है और कितने टेन्योर के लिए आप देख रहे हैं, आप सेक्टर स्पेसिफिक बॉन्ड खरीद सकते हैं। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड के रिस्क, आप ये देख सकते हैं कि आपकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू रिस्क, बट कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन जरूरी होती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से इश्यूअर के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज के दिन में अगर आप देखेंगे इश्यूअर में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिट से लेके स्टेट गवर्नमेंट यूनिट से लेके प्राइवेट इश्यूअर से लेके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बॉन्ड में। सारे की रेटिंग, सारे का डॉक्यूमेंट, सारे की डिटेल्स समझ के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ही समझदारी है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखें जरूर कि ये सिक्योर्ड बॉन्ड है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड है। सिक्योर्ड बॉन्ड हमेशा सेफ होती है अनसिक्योर्ड बॉन्ड से, क्योंकि उसके पीछे एक असेट होती है जो ब्लॉक्ड होता है एज अ सिक्योरिटी फॉर दैट बॉन्ड। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, देयर इज नो सिक्योरिटी, इट्स ऑन द जनरल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो आप हमेशा ये एडवाइजेबल होती है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट सेफ, इन्वेस्ट इनटू सिक्योर्ड बॉन्ड्स। जी चलिए अंकित आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय एक्चुअली कम है, लेकिन समझाइश जो आप दे रहे हैं वो काफ़ी इन डेप्थ है और बहुत ही बढ़िया है। मार्केट लिंक डिबेंचर्स के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं और रिटर्न यहाँ पर जो है वो आपको फिक्स नहीं मिलता है, तो ये किस तरह के निवेशकों के लिए है और कैसे इसको समझना चाहिए ये बताएं आप। सो मार्केट लिंक डिबेंचर और एनसीडी में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एनसीडी में इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है जिस दिन एनसीडी की इशू आती है या जिस दिन इश्यूअर पैसा रेज कर रहा होता है। मार्केट लिंक डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। मार्केट लिंक डिबेंचर एक इंडेक्स पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी, जो कि पूरी दुनिया पूरा देश जानता है कि निफ्टी एक इंडेक्स है या सेंसेक्स एक इंडेक्स है, तो उसके बेसिस पे या कोई और इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल SBI का MCLR कितना हो सकता है या फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोरोइंग का रेट क्या है। सो देर आर वेरियस इंडेक्सेस जिसके बेसिस पे आप MLD की इश्यूएंसेस करते हैं, जिसको मार्केट लिंक डिबेंचर्स बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, द इश्यूअर जो होता है वो ये बोलता है कि अगर आप मार्केट लिंक डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन एन इंडेक्स और डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट लिंक डिबेंचर ऐसी भी होती है जहां पे वो इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट होता है। एज एंड व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस द इंटरेस्ट रेट ऑन दैट मार्केट लिंक डिबेंचर माइट राइज, एज एंड व्हेन द इन्फ्लेशन गोज डाउन इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट लिंक डिबेंचर्स में जब वो इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। सो एनी इन्वेस्टर जिसे थोड़ा इंटरेस्ट रेट में जहाँ पे वो समझते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है या डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स में क्या कॉल है, उसके हिसाब से वो मार्केट लिंक डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि वो मार्केट लिंक में करें या NCD में करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हम बात करने वाले हैं वो है टैक्स फ्री बॉन्ड पर और किस तरह से टैक्स फ्री बॉन्ड का फ़ायदा हर उम्र का निवेशक और हर जोखिम क्षमता वाला जो निवेशक है वो इसमें निवेश कर सकता है। वेरी फ्रेंकली आप पूछेंगे तो टैक्स फ्री बॉन्ड में ऐसा है कि टैक्स फ्री 2011 से शुरू हुई थी आना, एंड 2016 के बाद कोई नई टैक्स फ्री इशू आई नहीं है। तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे जितनी भी टैक्स फ्री बॉन्ड्स ट्रेड होती हैं वो 2011 से लेके 2016 के बीच में जितनी भी आई थी वो ट्रेड होती है। टैक्स फ्री बॉन्ड का एसेंशियली डिफरेंस क्या है एनसीडी से, सिंपल सा ये है कि टैक्स फ्री बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे आपको 1 रुपया का भी टैक्स नहीं देना होता। आप कोई भी इन्वेस्टर हो, कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो,
पीएफ हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स पे 1 रुपया का भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। सो टैक्स फ्री बॉन्ड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है जो कि हायर टैक्स स्लैब में होते हैं, जैसे 30% 40%। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो टैक्स फ्री बॉन्ड का यील्ड करीबन 5 सवा 5% का आता है। सो एनी इन्वेस्टर जो कि 30% की टैक्स ब्रैकेट पे है, उसे करीबन 7.5% का प्री टैक्स रिटर्न मिलता है, विच इज गुड इनफ, बिकॉज ये जितने भी टैक्स फ्री इश्यूएंसेस आई थी ये सारी ट्रिपल ए रेटेड पीएसयू की थी, जैसे कि REC, PFC, NHAI, NTPC। सो टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है एंड ऑप्शंस अभी भी हैं जो कि 5 सवा 5% पे ट्रेड हो रही है, बट फ्रेश इश्यूएंसेस ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड्स अब नहीं आती हैं। 2016 में लास्ट आई थी, उसके बाद से टैक्स फ्री बॉन्ड्स की इश्यूएंसेस नहीं आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है सोने में निवेश करने का। इसके अहम फीचर्स क्या होंगे और इस पूरे साल में जो कि बहुत एक्सपर्ट्स संभावना भी जता रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर हम सोने की कीमतें पहुंचते हुए देखेंगे, कम से कम जो आखिरी 6 महीने हैं 2023 के, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कितना आकर्षक जरिया हो सकता है सोने में निवेश करने का? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो लॉन्च हुई थी, अगर आप सही मायने में पूछे तो ये सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। जनरली हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जितने भी हैं सारे गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, फिजिकल गोल्ड खरीद खरीद के घर पे रखते थे। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यहाँ पे एक तो आप गोल्ड पे निवेश कर रहे हैं, दूसरा उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिल रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 2.5% विच इज 2.5% का ब्याज आपको सालाना मिलता है। ये बॉन्ड 8 साल के लिए होता है और ये करंट मार्केट प्राइस जो गोल्ड की चल रही होती है उस पे आप निवेश करते हैं। इसकी अहम खासियत अगर आप देखेंगे तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 1 ग्राम गोल्ड तक भी बाय कर सकते हैं, और जब भी इसकी प्राइमरी इशू आती है या जब भी ये इशू खुलता है निवेशकों के लिए, तो रिटेल इन्वेस्टर को जो इसको बाय करना चाहते हैं उन्हें 50 रुपया प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलता है। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कंपेयर टू बाइंग फिजिकल गोल्ड, जहाँ पे आपको रिस्क भी रहता है चोरी का या कोई भी और चीजों का, अगर आप देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का गोल्ड में और गोल्ड की अप्रिसिएशन को कैप्चर करने का। हाउएवर हैविंग सेड दैट, एक प्रॉब्लम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये है कि अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ट्रेडिंग थोड़ी कम होती है। सो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड क्यों? क्योंकि एक तो आप गोल्ड की अप्रिसिएशन का बेनिफिट उठाएंगे और दूसरा आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलेगा उस पर। चलिए तो काफ़ी विस्तार से हमने बॉन्ड्स में निवेश करने के कुछ विकल्पों पर बात की है। उसी के साथ अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने इस बॉन्ड की पाठशाला के। आज फिर मुलाकात होगी आपसे और बारीकी में जाएंगे, तमाम तरह के बॉन्ड्स पर चर्चा करेंगे। बहरहाल शुक्रिया। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी आपके हर एसेट क्लास के बारे में, उससे जुड़े हुए जोखिमों के बारे में, और साथ ही दर्शकों के सवाल जो कि काफ़ी अहम पहलू है हमारे शो का, वो भी शुरुआत करेंगे हमारे दो खास मेहमानों के साथ। मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जाते जाते एक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर छोड़ते हुए जा रही हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।